नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। नसरुल्लागंज, देवास जिले के रेत माफियाओं द्वारा ककेड़ी नदी पर अस्थायी रपटा तैयार कर रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था, जिसे रोकने के लिए प्रशासन ने जेसीबी मशीन से रपटे को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान जिला एवं स्थानीय प्रशासन के लोग मौके पर मौजूद रहे। नसरुल्लागंज क्षेत्र के छिपानेर के समीप ग्राम नयापुरा से लगी ककेड़ी नदी पर यह रपटा तैयार कर रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था। सूचना मिलते ही खनिज और स्वास्थ्य विभाग के साथ ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से कार्यवाही को अंजाम दिया। माइनिंग अधिकारी ने कहा कि अगर वापस किसी व्यक्ति द्वारा पुल बनाया गया तो कठोर कार्यवाही की जाएगी। सर, ये आज छिपानेर से देवास जिले में सर ये पुल बना हुआ था, कहीं ना कहीं अवैध रूप से वो खनन किया जा रहा था, सर पूरा मामला क्या था? ये लगातार छिपानेर से अवैध उत्खनन होकर के रेत का ट्रालियों या अन्य साधनों से परिवहन होकर के इस पुल से होकर के देवास या अन्य स्थानों पर जा रही थी रेत, चूँकि वो सारी अवैध उत्खनन के फलस्वरूप ही निकल कर के आई है, इसलिए इस रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया जाए जिससे कि अवैध उत्खनन को और बढ़ावा ना हो मिले। इस कारण से उसको आज संयुक्त रूप से राजस्व पुलिस टीम के द्वारा के माध्यम से माइनिंग टीम भी थी तो इसको तोड़ा गया। सर, अवैध उत्खनन रोकने के तो बहुत सारे वैकल्पिक रास्ते हो सकते हैं, लेकिन आम जनता का मार्ग और पुलिया तोड़ देना कहाँ तक सही है? आपने ये बिल्कुल सही कहा कि आम जनता के लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन यहाँ ऑप्शन है ऐसा नहीं है, और न ही यह, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पर कि जहाँ तक सीसी रोड है वहाँ तक ही ये रोड थी, बाकी यह वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जो खनन माफिया या जो रेत का अवैध परिवहन या अवैध उत्खनन में लिप्त है उनके द्वारा बनाया गया है। पूर्व में भी इसको 15 दिन पहले तोड़ा गया था और वापस से उसको कंस्ट्रक्ट करके उसी कार्य के लिए उपयोग में लाया जा रहा था। सर, ग्रामीण सर रात ही रात में ये वापस यहाँ पर रास्ता बना लिया गया तो उन पर किस कार्रवाई होगी? नहीं होगी निश्चित रूप से, वापस से अगर मान लीजिए ये जानकारी में आता है और किन व्यक्तियों के द्वारा ये बनाया जा रहा है उसकी भी हम जानकारी जुटा रहे हैं और उन व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। सर, देवास जिले का प्रशासन था क्या यहाँ पर? ये सीहोर जिले के प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई थी और इसी के कारण या इसी के फलस्वरूप यहाँ पर तोड़ा गया। सर, ग्रामीणों द्वारा यह बताया गया है स्पष्ट रूप से यहाँ पर सरकारी रास्ता है या नहीं ये एक दिगर बात है, लेकिन इसका 100% उपयोग अवैध परिवहनकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा था ये देखने में। सर, अभी आपके समक्ष कुछ बच्चियां बालिकाएं जो स्कूल से जाकर वापस जा रही थी उसकी वैकल्पिक व्यवस्था के भी आश्वस्त किया है और अभी भी वैकल्पिक व्यवस्था है, नारायणपुर होकर के रास्ता जाता है और वो पक्का है क्योंकि ये कच्चा रास्ता था, कुछ भी दुर्घटना घटना दुर्घटना भी होने की संभावना। क्योंकि सर पीडब्ल्यूडी द्वारा यह रोड तैयार किया गया है, सिर्फ नदी पे आम जन ने जो है बन जाएगा, जब बन जाएगा तो उपयोग आम जनता के लिए अपने आप हो जाएगा। और दूसरी ओर यह भी खबर समय जगत के लिए नसरुल्लागंज से हेमंत वैष्णव की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।